अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ निदा मजीद। होप यू ऑल आर फाइन। नाउ वी विल डू नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 2, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। नाउ वी विल डू रीडिंग फ्रॉम बुक, सो ओपन योर बुक। ओके माय स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। नाउ वी विल डू रीडिंग ऑन बुक। हेडफोन्स, वी कैन हेयर साउंड्स एंड म्यूजिक विद द हेडफोन्स जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर। कोई भी साउंड और म्यूज़िक सुनने के लिए हम लोग हेडफोन का यूज़ करते हैं। वेब कैम, वी कैन यूज़ अ वेब कैम फॉर वीडियो चैटिंग विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वेब कैम को हम यूज़ किस लिए करते हैं? फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से वीडियो चैटिंग करने के लिए। नाउ प्रिंटर, अ प्रिंटर अलाउज अस टू प्रिंट एन एप्लीकेशन ऑन द पेपर। किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंटर का यूज़ करते हैं। स्कैनर, अ स्कैनर रीड्स द डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वर्ट्स इट इन टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। वी कैन ऑल्सो एडिट दिस डॉक्यूमेंट इन अ कंप्यूटर। किसी भी चीज़, किसी भी पेपर को या किसी भी चीज़ के आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको स्कैन करने के लिए हम लोग स्कैनर का यूज़ करते हैं। सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क, वी कैन सेव एनी डाटा ऑन अ सी डी। वी कैन ऑल्सो वॉच कार्टून्स, फिल्म फ्रॉम द सी डी। आपके घर में भी सी डी होगी जिसको आप कंप्यूटर के अंदर, सी पी यू के अंदर जब इसको डालें तो आपकी कोई भी कार्टून्स की मूवी भी आप उसमें देख सकते हैं, कोई भी गेम्स खेल सकते हैं। सो टर्न योर पेज नाउ, पेज नंबर 11, डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा इज़ अ hardware device that takes photographs and stores the image as data on memory card. USB flash drive, we can use a USB flash drive to transfer data from computer to another computer. With the help of USB, हम लोग अपना data एक computer से दूसरे computer में easily इसको attach करके अपना data transfer करते हैं. Joystick, we play video games on the computer with a joystick. With the help of joystick, हम लोग बहुत सी games खेलते हैं, इसको computer के साथ attach कर लेते हैं, तो हम लोग easily कुछ भी खेलना हो आप लोग easily इसके साथ खेल सकते हैं. Computer information is also called data. Computers can process huge amounts of data very quickly. They also store and display data. Now we will do exercise. Question number 1 is, write the names of the parts of the computer in the blanks. Here are some pictures my students. So ye dekhen, first wali picture aapko kya bata rahi hai? This is a picture of printer, printer. Mere saath saath likhe aap log is tar printer. To ये पिक्चर क्या बता रही है आपको? हेडफोन। यूनिट नंबर 1 में आप लोगों ने हेडफोन्स पढ़ा है, यूनिट नंबर 2 में भी आप लोग देखेंगे हेडफोन्स। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें स्पेलिंग्स की। ये पिक्चर आपको क्या बता रही है? ये पिक्चर किसकी है? स्कैनर की। स्कैनर की क्या स्पेलिंग है? SCANNER, स्कैनर। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ वेब कैम, WEB वेब, CAM कैम, वेब कैम। क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल इन द ब्लैंक्स, वी कैन हेयर साउंड्स विद द हेडफोन। HEAD हेड, PHONES फोन्स, हेडफोन्स। सेकेंड वन इज वी कैन यूज वेब कैम फॉर वीडियो चैटिंग, VIDEO वीडियो, CHATTING चैटिंग, वीडियो चैटिंग। थर्ड वन इज वी प्ले वीडियो गेम्स ऑन द डैश विद द जॉयस्टिक ऑन द कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर। फोर्थ वन इज वी कैन सेव एनी डैश ऑन अ CD, एनी डेटा, DATA डेटा। लास्ट वन इज a dash reads the documents and converts it into electronic form, scanner, SCANNER, scanner।
Turn your page now. Page number 13. Put a tick mark on the correct name of the device. स्टूडेंट्स मेरे साथ देखें, यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, वेबकैम, हेडफोन, बट दिस इज द पिक्चर ऑफ हेडफोन, सो वी विल टिक ऑन हेडफोन. स्कैनर, प्रिंटर, बट दिस इज द पिक्चर ऑफ स्कैनर, तो हम यहाँ पर स्कैनर पर टिक करेंगे. यूएसबी फ्लैश ड्राइव, हेडफोन, बट दिस इज द पिक्चर ऑफ यूएसबी, सो वी विल टिक ऑन यूएसबी. लास्ट वन इज डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, दिस इज द पिक्चर ऑफ डिजिटल कैमरा, सो वी विल टिक ऑन डिजिटल कैमरा. सो माई स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स वन. डिजिटल कैमरा कैन स्टोर इमेजेस ऑन अ मेमोरी कार्ड, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो यहाँ पर हम टी लिखेंगे. सेकेंड वन इज we cannot use a USB flash drive to transfer data. No, this statement is wrong. So, हम यहाँ पर F लिखेंगे. Third one is we play video games on the computer with a joystick. Yes, this statement is true. So, हम यहाँ पर T लिखेंगे. Last one is we cannot save any data on a CD. No, this statement is wrong. So, we will write F here. So my students, now we will do these short question on your booklet. Okay my students, so we will do these MCQs on your booklet, page number 5. First one is we can hear dash with the headphones, heart, sound and music, light, heat. Tick on option number B. Second one is CD is a dash disc, computer, compact, removable, adjustable, compact. Tick on option number B. Third one is a digital camera is a dash device, hardware, software, computer, non-digital, hardware. Tick on option number A. Fourth one is a printer allows us to dash an application on the paper. Print, read, write, scroll, print. Tick on option number A. Fifth one is a computer information is also known as program, information, data, system unit, data. Tick on option number C. Question number 2 is fill in the missing letters. P dash I N T E R. R, printer. Q U dash C K L Y. I, quickly. F dash A S H. L, flash. E L dash C T R O N I C. E, electronic. D dash I V E. D R I V E, drive. H A dash D W A R E. H A R D, hardware. Turn your page now. Page number 6. Question number 1 is name the device which can print an application on the paper. Answer is printer. Printer ki madad se hum log paper print karte hain na, to hamara answer kya hoga? Printer. Question number 2 is name the device which can save any data. जो हमारा सेव करता है डाटा, क्या करता है सेव, कौन सी डिवाइस है? सी डी है. सी डी एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप बहुत सा डाटा सेव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम द डिवाइस विच कैन टेक द फोटोग्राफ. फोटोग्राफ किसकी मदद से लेते हैं आप लोग? कैमरे की मदद से. तो कैमरे को क्या बोलेंगे? डिजिटल कैमरा. डी आई जी आई टी ए एल, डिजिटल. C A M E R A, camera, digital camera. Last question is name the device which can play video games on the computer. Computer पे हम लोग किसकी मदद से video games खेलते हैं? Joystick की मदद से. With the help of joystick, J O Y
S-T-I-C-K, stick. Joystick. Now we will do long question. Okay students, अब हम लोग unit number 2 का long question करेंगे. So question is, what is the use of webcam? Webcam किस चीज़ के लिए use होता है? Answer is, we can use webcam for video chatting with friends and family. Again repeat, we can use webcam for video chatting with friends and family. Webcam को हम video chatting के लिए use करते हैं, friends के साथ और family के साथ video chatting करते हैं. आप लोग करते हैं अपने friends और family के साथ video chatting? तो हम लोग किसकी मदद से करते हैं? Webcam की मदद से. Thank you.